हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट के आदेश को शिवसेना की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। शाम 5 बजे सुनवाई। महाराष्ट्र विधानसभा में गुरुवार को फ्लोर टेस्ट के राज्यपाल के आदेश को शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु की ओर से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आदेश के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक का ही वक्त तय किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 3 बजे तक सभी पक्षों को अर्जी की कॉपी सौंपने को कहा है। शिवसेना की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रखेंगे। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि राज्यपाल के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है और शीर्ष अदालत इस मामले में दखल दे। फ्लोर टेस्ट के आदेश का विरोध करते हुए संजय राउत ने कहा कि यह फैसला असंवैधानिक है और इसके जरिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस बीच संजय राउत ने कहा, अभी तो 16 विधायकों की अयोग्यता का ही मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में उससे पहले फ्लोर टेस्ट का आदेश देना गलत है और पूरी तरह से असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि भाजपा गवर्नर हाउस से राजनीति करवा रही है। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट ने भी कल फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई पहुंचने का ऐलान किया है। हालांकि इससे पहले सभी विधायकों के आज गोवा के ही ताज होटल में ठहरने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे यह रणनीति है कि एन मौके पर ही विधायक पहुंचे ताकि उन्हें तोड़ा ना जा सके। बता दें कि राज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर 30 जून को सुबह 11 बजे विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है। उन्होंने विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत को लिखे पत्र में कहा कि 7 निर्दलीय विधायकों से मिले ईमेल और नेता विपक्ष की ओर से दी गई चिट्ठी में कहा गया है कि सीएम उद्धव ठाकरे बहुमत खो चुके हैं। ऐसे में फ्लोर टेस्ट जरूरी लगता है और इसके लिए 30 जून को विधानसभा का सेशन बुलाया जाए। यही नहीं, अपने पत्र में उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया 30 जून को शाम 5 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। जागरूक टीवी के लिए नीरज दवे की मुंबई, खास रिपोर्ट।